Ooh. Big tats. आज हम गाइस टेस्ट करने वाले हैं फास्टेस्ट लैपटॉप 50,000 के प्राइस सेगमेंट का, और ये है क्विक अनबॉक्सिंग तो गाइस आपने देख ली। अब चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप के बारे में। अंडर 50 के में आपको मिलता है यहाँ पे लेटेस्ट राइजन 5 का 5600H, साथ ही साथ यहाँ पे आपको 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि बोथ CPU एंड द GPU फ्रॉम द AMD है, तो इससे आपको AMD एडवांटेज कैसे मिल सकता है उसके बारे में आपको डिटेल में परफॉर्मेंस बताते हैं। 512GB SSD मिलती है, प्लस आपको 16GB आपको रैम ऑप्शन मिलता है। इस सारी चीज़ मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि ये स्पेक्स आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं ऑन दी अपकमिंग सेक्शंस। वैसे मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है फॉर दी एडिटिंग, फॉर दी गेमिंग ऑल्सो, एंड फॉर दी कैजुअल लाइक वॉचिंग मूवीज, सब कुछ सारी बातें आपको मैं कवर करके बताता हूँ कि ये लेटेस्ट बीस्ट कितना बीस्ट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट अगर हम डिज़ाइन एंड उसकी बात करें फिजिकल ओवरव्यू की, रियली सॉलिड बॉडी मिलेगी, लाइक काफ़ी आपको ठीक मशीन मिलेगी, बिकॉज अभी काफ़ी ज़्यादा कूलिंग सिस्टम भी आता है। अभी मैं आपको टी डाउन करके भी दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और 15.6 इंच का ये वाला मॉडल है, तो इसलिए थोड़ा सा फॉर्म फैक्टर आपको उसको बड़ा मिलेगा। विक्टर्स की यहाँ पे ब्रांडिंग है जो कि सिल्वर मेटालिक फिनिश में, यहाँ पे विक्टर्स लिखा हुआ है, एंड कुछ अदर फीचर्स भी हैं। और कूलिंग के लिए आपने देखा होगा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया, जैसे स्पेशली अभी काफ़ी बिग एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है जहाँ से वेंट होता है। और बॉटम में भी आपको दो यहाँ पे कूलिंग के दिखाई पड़ रहे हैं, दो फैन यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये बाकी डिज़ाइन बना हुआ है। प्लस कूल पार्ट ये कि यहाँ पे दोनों साइड से ये प्रॉपरली उठा हुआ है ताकि जो एयर है वो प्रॉपरली यहाँ से बाहर निकल जाए। राइट, लेट्स टॉक अबाउट द हिंज। हिंज इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑफकोर्स आप इसको सिंगल भी ओपन कर लेंगे बिकॉज जो बेस है वो इट्सेल्फ थोड़ा सा हैवी है। हल्का सा आपको यहाँ पे आपको फीलिंग आ सकती है, लाइक थोड़ा सा पेंडुलम इफेक्ट आप कह सकते हैं, बट स्टिल आपको खेलने की चीज़ तो नहीं, आप ऐसे करेंगे लाइक जस्ट स्टेबल, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। कूल HDMI पोर्ट मिलता है, एक USB टाइप ए है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ईथरनेट पोर्ट मिल जाता है। USB टाइप सी है, इसमें बोथ डिस्प्ले पोर्ट एंड चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप टाइप सी चार्जिंग भी लगाते हैं तो भी ये चार्ज कर जाता है। अदर साइड भी आपको यहाँ पे एक USB पोर्ट मिलता है, कोई भी यहाँ पे थंडर बोर्ड नहीं देगा आपको पहले बता दूँ। प्लस हेडफोन जैक है, और उसे यहाँ पे लॉकिंग का ये बैरल पिन यहाँ पे लगता है। कूल पार्ट गया, आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट मिलता है, यानी कि अगर आप ज़्यादा DSLR वो सब यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी सही मशीन। कूलिंग के लिए गाइस यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या क्या बेटर है। देखिए मैंने आपको सामने खोल के दिखा दिया। अब फर्स्ट पार्ट आया यहाँ पे रैम एंड SSD की बात कर लेते हैं। ये ऑफकोर्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक PCIe M.2 SSD है जो कि यहाँ पे सिंगल स्क्रू से लगी, यानी कि आप इस 512GB के SSD को निकाल के अप टू 1TB तक आप यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं। प्लस अगर हम रैम की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे देख सकते हैं दो रैम के स्लॉट है, लेकिन जितना मैंने चेक किया HP के सपोर्ट से यहाँ पे मैक्सिमम 16GB का ही सपोर्ट दिया गया है, यानी कि अगर आपकी फ्यूचर में ख़राब हो जाती है या कुछ हो जाता है तो आप इसको निकाल के दूसरी यहाँ पे लगा सकते हैं, ये सॉर्टेड नहीं है, सेपरेट है। बैटरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। कूलिंग के लिए आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे यहाँ पे ध्यान दिया गया, ड्यूअल फैन लगे हुए हैं, प्लस आप देख सकते हैं ड्यूअल यहाँ पे ये वेपर चैम्बर दिया गया, तो आपके कूलिंग के लिए काफ़ी बढ़िया जुगाड़ यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे ड्यूअल स्पीकर्स मिलते हैं, ऑफकोर्स आप देख सकते हैं एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। इन साइड जो आपने यहाँ पे ग्रिल देखी होगी एक्चुअली में वो जस्ट कूलिंग पर्पज़ के लिए दिया गया है, इसी टॉप साइड में यहाँ पे वहाँ पर कोई आपको स्पीकर ग्रिल नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आउटपुट आपने देखा काफ़ी डिसेंट था। तो लैपटॉप क्लीनली डिज़ाइन किया गया है, और थर्मल्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी थिक एल्युमिनियम की शीट्स भी लगी हुई है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एल्युमिनियम लगा हुआ है, और यहाँ पे ऑफकोर्स कॉपर है, कोई भी यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नज़र नहीं आने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट अदर फीचर्स, मेन परफॉर्मेंस आने से पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। डिस्प्ले यहाँ पे आपको ऑफकोर्स फुल HD पैनल मिलता है, और ये डायगनली 15.6 इंच का है, कंपनी इसको माइक्रो एज कहती है, और बेसिकली आपके एंटी ग्लेयर डिज़ाइन पे बनाया गया, लाइक गेमिंग पर्पज से अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं तो यहाँ पे आपको उतनी शार्प ब्राइटनेस नहीं मिलेगी,
ब्राइटनेस 250 निट्स की है, जो कि आपको अदर लैपटॉप से थोड़ी कम फील हो सकती है, बिकॉज ये बेसिकली इस पर्पज के लिए बना गया। अगर आप लॉन्ग सिटिंग आवर करके इस लैपटॉप को ज़्यादा यूज़ करते हैं कई घंटों तक, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज ये अलग ही डिज़ाइन पर्पज़ के लिए बनाया गया। बट डिस्प्ले प्राइस इतनी कम नहीं है, हमने जितना भी इसको यूज़ किया, मूवीज़ देखी एंड ऑफ कोर्स एडिटिंग भी की, गेमिंग की, सभी एरिया में ये मुझे परफेक्टली ओके लगा। एंड अगर आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, जनरली आप जो भी लो कॉस्ट लैपटॉप देखते हैं ना, एक 50 के अंदर में, वहाँ पे क्या होता है कि ये पोर्शन बहुत हॉलो टाइप का होता है। ऑफ कोर्स आप कितना भी प्रेस कर देंगे थोड़ा तो प्रेस होगा ही, लेकिन यहाँ पे ये इफेक्ट बहुत ही कम है एंड लाइक इस काफ़ी सॉलिड स्टर्डी बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पे फील हो सकती है। फॉर अ रेफरेंस अगर आपको मैं एक एसर का बजट लैपटॉप दिखाता हूँ जो अराउंड 40,000 में मिल सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हॉलो है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप प्रेस करेंगे हल्का सा भी तो आपको यहाँ पे ऐसे हल्का सा ना अप एंड डाउन वाला मोशन फील होगा। अब गाइस मेन मुद्दे की चीज़ पे आते हैं, वो है परफॉर्मेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अगर आप स्पेशली एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर खोज रहे हैं। देखिए स्पेक्स आपको मोटा मोटा फिर से बताता हूँ, 16 GB ऑफ रैम मिल जाता है, 512 GB SSD जो कि आप 1 TB तक का एक्सपेंड कर सकते हैं। CPU आपको लेटेस्ट यहाँ पे मिल जाता है, राइजन 5 का हेक्साकोर 5600H है, प्लस आपको AMD Radeon RX 6500M का एक 4 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, जो कि DDR6 सपोर्ट करता है, काफ़ी कूल पार्ट है। अब रियल लाइफ में हमने इसको टेस्ट किया था कि हमें कैसे ही अच्छा लगा, तो मैंने डिफरेंट तरह के टेस्ट परफॉर्म किए। ऑफ कोर्स एज ए कैजुअल यूज़र आप सारे तरह के काम कर सकते हैं, बेटर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन आप इसमें चलाएंगे, लाइक चूँकि 16 GB ऑफ रैम है तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आप बैकग्राउंड ओपन कर सकते हैं, वो किल भी नहीं होंगे। प्लस अगर हम बात करें थोड़े से प्रो यूज़र्स की, जैसे कि गेमिंग की बात करें, तो हमने इसमें काफ़ी लॉन्ग गेमिंग परफॉर्म की, लाइक GTA 5 प्ले किया फॉर मोर देन आवर्स, उसको जब तक खेलते रहे कोई भी लैग नहीं लगा, क्योंकि डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही कूल है और ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, बिकॉज आपको एडिशनल मेमोरी मिल रही है और लैग का तो कोई सवाल ही नहीं है। और ये गेम है भी बहुत हैवी, अराउंड 140 GB का, आपको तो पता ही है। इसके अलावा हमने यहाँ पे PUBG भी प्ले किया, जो कि PC वाला गेम है और वो भी काफ़ी स्मूथ चल रहा है, जरा से आपको यहाँ पे भी लैग नहीं फील होने वाला। मैं इस प्राइस रेंज के हिसाब से बात कर रहा हूँ गाइस, तो इसमें हमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिल रही है। गेमिंग के अलावा अगर आप यहाँ पे और टास्क करते हैं, जैसे कि हमने वीडियो एडिटिंग इसमें बहुत ज़्यादा की, इनफैक्ट जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये सेम वीडियो हमने कम्प्लीटली इसी लैपटॉप पे ही एडिट करके रेंडर किया है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। लाइक अगर आप 2 या 3 4K 60 4K 30K वीडियोज़ टाइमलाइन पे लगाते हैं, प्लस इसमें म्यूज़िक भी है, बैकग्राउंड इफेक्ट्स भी है, मोगर्ट्स भी है, टेक्स्ट भी है, आपने पूरा वीडियो देखा, आपको समझ में आ रहा होगा, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप इस लेवल का, इससे बेटर लेवल का काम भी आसानी से आप इस लैपटॉप पे कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक स्टार्टअप पे हैं या इंटरमीडिएट हैं या थोड़े से प्रो वर्क भी करना चाहते हैं एडिटिंग का, वो भी आसानी से आप कर सकते हैं। आप एडिटिंग भी आप जानते हैं कि लाइक कई आवर्स का काम होता है, समटाइम एक शॉर्ट्स बनाने में भी 2-3 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी 8-10 घंटे भी लग जाते हैं। तो इन सभी तरह का काम करने के बाद हीटिंग का क्या सीन है, चूँकि यहाँ पे AMD एडवांटेज का सीन है तो थर्मल से मुझे लगता है बहुत ही बेटर मैनेजर, जैसे कि जो आपके कीबोर्ड्स हैं वो रिलेटिवली कूल हैं, जस्ट लाइक 32 डिग्री के आसपास ही हैं, वो भी 2-3 घंटे 4 घंटे लगातार यूज़ करने के बाद, जहाँ आपका पाम रेस्ट करता है। हाँ बाय द वे, पाम रेस्ट से याद आया, जो उसका ट्रैक पैड है वो बहुत ही सही प्लेस पे, आपको ज़्यादा एरिया मिल रहा आपके पाम को रेस्ट करने के लिए, वहाँ पे भी टेम्परेचर जस्ट अराउंड 30-32 डिग्री है। ऑफकोर्स जहाँ से आप हॉट एयर देख रहे हैं जो डिस्प्ले के पास से है, वो जस्ट 50-50 डिग्री के आसपास है, समटाइम 55 हमने देखा। बट ये भी एक आइस फैक्ट ये कि हमने कुछ और CPUs देखे हैं, ऐसे सिस्टम्स देखे हैं लैपटॉप जिसमें 70-80 डिग्री भी हमने आसानी से देख रखा है, वो उतने तक पहुँच जाते हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे थर्मल्स में भी काफ़ी बेटर है। तो इन समरी में गाइस, ओवरऑल अगर आपको एक ऐसी PC चाहिए जो हाई परफॉर्मेंस यूज़र के लिए अच्छे तरह से डिज़ाइन की गई हो, तो ये सिस्टम इस प्राइस में होना बेस्ट ऑप्शन आप मान सकते हैं। ये सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स आपको विंडोज़ 11 से मिलता है, ऑफ कोर्स ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी कूल पार्ट है। जनरली 8 से 10,000 आपको देना पड़ सकता है अगर आप चीप वाले लेते हैं, तो यहाँ ये चीज़ आपको पहले से मिल रही है, एंड इसके बारे में आपको ज़्यादा मैं कहने की जरूरत नहीं, आप सारी चीज़ें खुद ही जानते हैं। बैटरी की गाइस इसमें बात कर लेते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट बिग पार्ट क्या है कि यहाँ पे 150 वाट का आपको चार्जर मिलता है, जो कि काफ़ी फास्ट है, और बैटरी बैकअप ऑफ कोर्स ऑलवेज वेरी कर सकता है। कंपनी ने ऑन पेपर कहा है कि आप 9 आवर्स के अराउंड पा सकते हैं कैजुअल टेस्टिंग में। हमने जब इसको जस्ट एकदम कैजुअल यूज़ किया, लाइक अगर हम मूवीज़ देख रहे हैं या ब्राउजिंग कर रहे हैं ऑफ कोर्स विद दी हेडफोन, तो हमें 6 आवर प्लस का ऑलवेज बैकअप मिला है, समटाइम्स 7-8 भी आप मान सकते हैं। मैंने जस्ट 3-4 डेज ही टेस्ट किया है, सुपर हैवी हमने यूज़ नहीं किया है, तो हमारे बेसिक टेस्टिंग में ये 6-7 आवर्स बड़े आसानी से चला जा रहा है। ये आपको डिपेंड करता है आप किस तरह से यूज़ करें, हैवी टास्क में लेकर अगर हम गेम प्ले करते हैं या
एडिटिंग करते हैं तो 3 to 4 hours ये चला जाता है विद द 80 to 85% स्क्रीन ब्राइटनेस पे। एंड ऑफ कोर्स आप अगर बैटरी सेविंग में काम करेंगे, थोड़ा सा सिस्टम लैग करता है तो आपको परफॉर्मेंस मोड ऑन करना पड़ेगा, तब वो चीज़ें आप कोर्स यहाँ पे फिक्स हो जाती हैं। तो गेमिंग के हिसाब से आपको बैटरी इसमें डिसेंट मिल रही है, मैं तो नहीं कहूँगा कि सुपर बेस्ट इन क्लास है, बट काफ़ी डिसेंट बैटरी बैकअप है। सो एट द समरी में गाइस, फाइनली ये लैपटॉप मुझे कैसे लगा, सी इसके बहुत प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट अगर आप इस सेंस में एक लैपटॉप चाहते हैं जिसमें आपको हैवी टास्क लाइक गेमिंग या सिटिंग मल्टीमीडिया एडिटिंग या कुछ भी ऐसा करना है तो ये लैपटॉप सुपर परफेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे स्पेक्स काफ़ी अच्छे हैं और परफॉर्मेंस में इसकी काफ़ी डिसेंट मिली है। अब चूँकि ये अल्ट्रा बुक नहीं है, यानी कि अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप लेके ट्रैवल करते हैं विद दी हैंड बैग या ऑन दी बैक पैक में, तो शायद आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है बिकॉज उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज ये उस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। दैट्स इट विद दिस HP लेटेस्ट विक्टस लैपटॉप। अगर आपके पास ये है तो प्लीज़ कमेंट्स में अपने भी थॉट्स जरूर शेयर करिएगा, लेट मी नो किस नए लैपटॉप को हम ट्राई करें सो दैट उसके भी हम डिटेल में ऐसी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकें। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।